हमने आपको कहा था कि अगर फिटनेस रिलेटेड आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो या किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आपकी प्रॉब्लम, हम उसका जवाब देंगे। काफ़ी लोगों ने हमें बेली फैट के बारे में पूछा कि उससे पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं, तो आज का हमारा ये वीडियो रहेगा बेली फैट के बारे में। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड। बेली फैट होता क्या है? ये आपकी कोर रीजन में, स्टमक रीजन में जो फैट का एक्सेस फैट का डिपोजिशन होता है उसे ही बेली फैट कहा जाता है। इसकी काफ़ी सारी वजह हो सकती है, जैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हो गया, स्ट्रेस भी हो गया। बेली फैट की प्रॉब्लम और उसका रीजन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हमारे बॉडी में दो टाइप के फैट होते हैं, एक तो विसेरल फैट और दूसरा सबक्यूटेनियस फैट। विसेरल फैट जो आपके ऑर्गन्स को सराउंड करता है उसे विसेरल फैट कहा जाता है, और सबक्यूटेनियस फैट वो होते हैं जो आपकी स्किन के नीचे बैठा होता है। ये हमारी बॉडी में अगर एक्सेस रहेगा तो ये अनहेल्दी होता है। एक्सेस ऑफ बेली फैट होने की वजह से आप क्या क्या बीमारी फेस कर सकते हो? हार्ट अटैक हो गया, हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो गए, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, एस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गई। बेली फैट को कम करना होगा, अगर उस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो जानलेवा भी हो सकता है। अब मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन कुछ ऐसे मेथड दूंगा जिसकी वजह से आपका बेली फैट कम हो सकता है। सोल्युबल फाइबर्स ज़्यादा खाइए, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो गए। ऐसे खानों को अवॉइड करना है जिसमें ट्रांस फैट हो, ट्रांस फैट जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ट्रांस फैट होता क्या है? अगर हम किसी लिक्विड फॉर्म में फैट को किसी रीज़न से कुक कर करके या उन्हें माइक्रोवेव करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बॉडी के लिए सबसे वर्स्ट फैट होता है। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, फ्रोजन पिज्ज़ा, बेक केक एंड कुकीज़, एल्कोहल का कंजम्पशन बंद करिए या तो फिर उसका इनटेक काफ़ी लिमिट में कीजिए। जैसे चीट डे के लिए हाई प्रोटीन डाइट शुरू कीजिए और अपने मील में चिकन हो गए, एग्स हो गए, वे प्रोटीन हो गए, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर हो गए, ये सब ऐड करना शुरू कीजिए। स्ट्रेस लेवल आपको कम करना होगा, जो आप योगा और मेडिटेशन से भी कर सकते हो। एक्सेस शुगरी फूड आपको अवॉइड करनी होगी, जैसे कि स्वीट्स हो गए। आपको कार्डियो इनटेक आपका बढ़ाना होगा, जो भी आपको पसंद है, जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कार्बोहाइड्रेट का भी इनटेक आपको ध्यान से करना होगा। मेक श्योर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करके सिर्फ कॉम्प्लेक्स के ऊपर फोकस करो, और उसे भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाइए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ज्वार, बाजरा, वीट एंड ब्राउन राइस। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपको शुरू करनी होगी, चाहे वो किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो, आप जिम में जाके करो या थेराबैंड से करो, बट आपके बड़े बड़े मसल्स को आप फंक्शनिंग के लिए रेडी करो। गेट इनफ स्लीप, जिसमें आपका बॉडी को इनफ रेस्ट भी मिले, लेकिन मेक श्योर आपकी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी है, उसको थोड़ा ऊपर लेके जाइए। गुड फैट का कंजम्पशन अच्छे से कीजिए, और कुछ ओमेगा की चेन होती है जैसे ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, इनका कंजम्पशन भी बढ़ाइए, जो आपको सी फूड में भी मिलेगा और जो आपको एवोकाडो जैसे फ्रूट्स में भी मिलेगा। और किसी भी तरीके का जूस हो गया, जैसे फ्रूट जूस हो गया, एरिटेड ड्रिंक्स हो गया, इसका कंजम्पशन तो आप बंद ही कर दीजिए। आपको प्रोबायोटिक फूड्स खाना है या तो फिर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेनी है। इंटरमीडिएट फास्टिंग ट्राई कीजिए, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, इन चीज़ों का कंजम्पशन आप बढ़ा के देखिए। आपका लाइफस्टाइल चेंज कीजिए एंड हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको वर्कआउट के बारे में बताता हूँ जो आपको टमी फैट लूज करने में भी हेल्प करेगा। सबसे पहला वेरिएशन, फॉरवर्ड क्रंचेस। फॉरवर्ड क्रंचेस के आपको 3 सेट करने हैं, ईच सेट में 15 टू 20 रेपिटेशंस रहेंगे। सेकेंड वेरिएशन, रिवर्स क्रंचेस। रिवर्स क्रंचेस के भी आपको 3 सेट करने हैं विद 15 टू 20 रेपिटेशन ईच सेट। अब चलते हैं थर्ड वेरिएशन की तरफ, विच इज लैटरल क्रंचेस।
लेटरल क्रंचेस के आपको करने हैं 3 सेट, हर एक सेट में ईच साइड में 15 रेपिटेशंस। फोर्थ वेरिएशन सीजर्स, सीजर्स के आपको करने हैं टोटल 3 सेट, हर एक सेट में ईच लेग 15 रेपिटेशंस कीजिए। अब चलते हैं फिफ्थ एंड लास्ट वेरिएशन की तरफ, साइक्लिंग क्रंचेस। ये मैं आपको स्लो इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्म पता चले किस तरीके से अपोजिट लिम्स सामने आ रही है एंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहे कोर। इसके आपको 4 सेट करने, हर एक सेट मैक्सिमम रेपिटेशंस रहेगा। बेली पैड, इससे रिलेटेड मैंने आपके होप डाउट सारे क्लियर कर दिए एंड मैंने आपको वेरिएशंस भी बताया कि किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोर का और डिटेल में वर्कआउट चाहिए तो मैंने एक और 20 मिनट्स का कोर वर्कआउट का वीडियो डाला है, आप उसे भी चेक कीजिए प्लीज़। आपको डेडिकेशन एंड पेशेंस दोनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और हम आपकी हेल्प करने के लिए ऐसे ही वीडियोस यहाँ पे डालते रहेंगे। अगर आपको डाइट कंसल्टेशन करना है या वेट लॉस करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए hachikofitness.com और प्रोग्राम चूज़ कीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लेट्स गेट फिट।